नमस्कार, मैं नितिन कुमार, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्लू, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुल्लू की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है, आजकल कोरोना महामारी पूरे देश में फैली हुई है और कोरोना महामारी से बचाव के लिए सामाजिक दूरी के नियमों का हम सबको पालन करना है, तभी हम अपने आसपास के लोगों को, अपने मित्रों को तथा अपने परिवार को कोरोना महामारी से बचा सकते हैं। कोरोना महामारी की वजह से ही हम जो पहले कानूनी सहायता शिविर आप सब लोगों के बीच आकर लगाते थे, वह सब आजकल नहीं लगा पा रहे हैं। इसी वजह से हम जो कानूनी जानकारी आप सबके साथ साझा करना चाहते हैं, वह सब हम ई मोड के माध्यम से आप सबके साथ कर रहे हैं। इसी कड़ी के अंतर्गत आज मैं आपके साथ सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 के कुछ पहलुओं पर चर्चा करूंगा। यह अधिनियम साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ है और मुझे महसूस होता है कि साइबर क्राइम आज के समय में सबसे बड़ा होने वाला अपराध बन गया है। प्रतिदिन साइबर क्राइम का दायरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आजकल प्रत्येक व्यक्ति ऑनलाइन इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। जिसके पास भी मोबाइल है, वह व्यक्ति साइबर कानून के दायरे में आता है। और यह जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति के पास मोबाइल ना हो या कंप्यूटर का इस्तेमाल ना करता हो, वह व्यक्ति साइबर क्राइम के दायरे में नहीं आता हो। मसलन एटीएम का ही हम उदाहरण लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति एटीएम का इस्तेमाल करता है तो वह साइबर क्राइम के दायरे में आता है, क्योंकि एटीएम जो है वह इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। अगर हम अपने एटीएम की पिन किसी के साथ भी साझा करते हैं तो वह उसका इस्तेमाल गलत तौर पर हमारे पैसे को निकालने के लिए कर सकता है। तो इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास मोबाइल नहीं है या कंप्यूटर नहीं है तो वह व्यक्ति साइबर क्राइम के दायरे में ना आता है। उसी तरह से अन्य कई जीवन के पहलुओं में कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी तौर से इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। आजकल हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया में इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे लोगों की निजी जानकारियां चोरी हो रही हैं। वैसे तो तकनीकी युग में जीवन को सरल करने के लिए कुछ उपकरण हमारे वैज्ञानिकों ने बनाए, हमारे इंजीनियर्स ने बनाए, परंतु वही उपकरण आजकल साइबर क्राइम के साधन बन चुके हैं। सारी दुनिया इंटरनेट पर निर्भर है, आजकल साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। साइबर अपराध में आधुनिक दूरसंचार नेटवर्क का अवैध रूप से औरों के खिलाफ इस्तेमाल करना ही साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम से हमें शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप से नुकसान हो सकता है। साइबर क्राइम एक ऐसी गतिविधि है जहां कंप्यूटर या कंप्यूटर के नेटवर्क का इस्तेमाल साधन, लक्ष्य या आपराधिक गतिविधि के स्थान की तरह इस्तेमाल किया जाता है। साइबर क्राइम कि इसी तरह से कुछ किस्में हैं, जिस तरह से कि उसमें पहला अपराध है जिसमें कि कंप्यूटर को एक लक्ष्य की तरह इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा अपराध उसमें है कंप्यूटर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना है। पहले उसको लक्ष्य की तरह इस्तेमाल करते हैं, दूसरा उसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, और इसी में ही उसका अनधिकृत रूप से इस्तेमाल करना या हैकिंग करना साइबर क्राइम में आता है। इसमें बिना मालिक की अनुमति से अवैध रूप से इस्तेमाल करना ही हैकिंग है, वह उसका अनधिकृत रूप से इस्तेमाल है। हैकिंग क्या है? कंप्यूटर प्रणाली में तारों से घुसना या जो हवा में मोबाइल के सिग्नल चारों तरफ फैले हुए हैं उनके द्वारा आपके मोबाइल में घुसना, यह सब कुछ साइबर क्राइम के अंतर्गत, हैकिंग के अंतर्गत आता है। उसी तरह से वेब हाईजैकिंग है। वेब क्या है? ये एक तरह से वर्चुअल दुनिया है जिसमें कि जैसे हम बाहर देखते हैं कि यहाँ पर लोग घूम रहे हैं, यहाँ पर लोग आ जा रहे हैं या अपने दफ्तरों को काम कर रहे हैं, किसी तरह से कर रहे हैं, उसी तरह से वेब है। ये एक वर्चुअल दुनिया है जिसमें कि लोग तारों के द्वारा, मोबाइल के सिग्नलों के द्वारा घूमते हैं। अब वेब हाईजैकिंग में व्यक्ति क्या करता है कि बिना मालिक की अनुमति के, बिना उस वेब के मालिक की अनुमति से उसका इस्तेमाल करता है तथा उस पर नियंत्रण पा लेता है और उसको मालिक को उसका इस्तेमाल ना करने देता है। अब आजकल पोर्नोग्राफी भी बढ़ रही है और पोर्नोग्राफी भी इंटरनेट के माध्यम से बढ़ रही है। इसमें किसी व्यक्ति का की गंदी तस्वीरें या कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें या चलचित्र बनाकर उसको इंटरनेट पर डालने की धमकी देकर उस व्यक्ति को दबाव में लाकर अपनी मर्जी से अपराधी कोई काम करवाता है, तो वह सब कुछ पोर्नोग्राफी के अंतर्गत आता है। या फिर उस व्यक्ति की या किसी व्यक्ति की गंदी तस्वीरें, आपत्तिजनक तस्वीरें इंटरनेट पर डाल देना, वह भी पोर्नोग्राफी में आता है, जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत एक बहुत बड़ा अपराध है। साइबर स्टॉकिंग
एक इस तरह का अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में अवैध रूप से जानकारी एकत्रित करके इंटरनेट पर उसकी गलत छवि को दिखाया जाता है और उसे हानि पहुंचाई जाती है तथा बार बार उस व्यक्ति का उत्पीड़न करना होता है। अब हमने देखना कि आजकल सलामी हमला करके एक नई परिभाषा जो है सामने आई हुई है, जिसमें कि वित्तीय अपराध यानी छोटी छोटी चोरियां करना है, जैसे किसी व्यक्ति के खाते से प्रतिदिन 50 पैसे ही निकालना, जिसका कि उस व्यक्ति को पता नहीं चलता कि मेरे खाते से रोज 50 पैसे निकल रहे हैं, या किसी व्यक्ति के खाते से प्रतिदिन उसके जो ब्याज मिल रहा है उसका 100वां हिस्सा निकालकर अपने पास रख लेना, ये सब कुछ सलामी हमले में आता है। इसका उस व्यक्ति को पता नहीं चल पाता है कि मेरा 100वां हिस्सा ब्याज का किसी और व्यक्ति के खाते में जा रहा है, ये सलामी हमले में आते हैं। ये सब साइबर क्राइम का एक हिस्सा है। उसी तरह से किसी भी व्यक्ति के मोबाइल पर फोन करके उसके एटीएम कार्ड का या उसके बैंक का पिन या ओटीपी मांगना, ये सब भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। तो साइबर क्राइम अगर कोई करता है तो उसमें हमारे पास क्या बचाव है? हम इसमें शिकायत कर सकते हैं, पुलिस के पास जा सकते हैं, जिसमें कि उस अपराधी का सीधी गिरफ्तारी करने का भी प्रावधान है तथा इसमें जुर्म करने वाले व्यक्ति को सजा भी हो सकती है, दंड मिल सकता है तथा इसमें जुर्माना 10 लाख रुपए तक का हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मैं आप सबसे आज्ञा चाहता हूं, धन्यवाद।